नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बांदरी नगर परिषद के तत्वावधान में शासन के निर्देशानुसार बांदरी में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। मंगलवार को आनंद उत्सव के दौरान परंपरागत खेलकूद जैसे कबड्डी, खो खो, बोरा रेस, रसाक्सी, कुर्सी दौड़ व लोक संगीत, नृत्य, भजन गायन, कीर्तन आदि के आयोजन किए गए। वरिष्ठ समाज सेवियों, कलाकारों, जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों का साल श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, शील्ड देकर सम्मान भी किया गया। इस दौरान नगर परिषद के सीएमओ राजेश मेहतिले ने कहा कि जीवंत सामुदायिक जीवन नागरिकों की जिंदगी में आनंद का संचार करता है। उन्होंने कहा कि आनंद उत्सव का उद्देश्य नागरिकों में सहभागिता एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए समूह स्तर पर खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है। आनंद उत्सव की मूल भावना प्रतिस्पर्धा नहीं वरन सहभागिता है। मुकेश राय, बांदरी। सर, आज क्या कार्यक्रम, किस आयोजन के अंदर क्या कार्यक्रम किया गया? जैसा कि मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार आनंद उत्सव कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं एवं माननीय मंत्री जी के हमें विशेष निर्देश हैं कि नगर परिषद बांदरी में भी खेल महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो आज प्रातः लखनदिया के भ्रमण के दौरान ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर आनंद उत्सव का एक बृहद कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका प्रारंभ प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हुआ था और अभी इसका समापन होने जा रहा है। मतलब किन किन खेलों को रखा गया है आज यहाँ पर? 100, 200, 400 मीटर रेस, रस्सा कसी, बोरा दौड़ और हमारे रस्सी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक और विविध कई प्रकार के खेलों का आयोजन माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ सम्मानित भी किया गया विद्यार्थियों को और जो हमारे यहाँ पर गायन हुआ है, बुंदेली लोकगीत हुआ है और हमारी रामायण मंडली थी, लगभग यहाँ सभी का सम्मान हम लोगों ने किया है। थैंक यू।